अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबूबकर नईम। ठीक है, फीड मिल के अंदर जब हम लैब टेस्ट हमने परफॉर्म करने होते हैं तो मैक्सिमम जो लैब टेस्ट होते हैं उसमें जो हमें सैंपल रिक्वायर्ड होता है वो हमें ग्राइंड सैंपल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग जो है एक बहुत अहम पार्ट है और अगर सैंपल सही तरह ग्राइंड हुआ होगा तो हमें रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, हमारा टेस्ट भी सही से परफॉर्म होगा। अगर सैंपल जो है अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा तो हमारा जो टेस्ट है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा और इसके रिजल्ट पे भी जो है वो असरअंदाज होगा। सो ग्राइंडिंग जो हम करते हैं उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो है वो कैसे होती है और किसके अंदर करते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जो मशीन है, ये वाली जो मशीन है मोस्टली यही वाली मशीन यूज़ होती है, और भी ग्राइंडर होते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो ये वाली यूज़ होती है। तो इसमें इसका मशीन विच इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग इज़ नॉन एज कॉफ़ी ग्राइंडर, इसको कॉफ़ी ग्राइंडर कहते हैं। ठीक है, और ग्राइंडर वाश विद सैंपल, क्या करना है, स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक ग्राइंडर होगा, ठीक है, मशीन होगी। अगर तो इससे पहले यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि इस ये हमारे पास एक साफ जो है वो बिल्कुल साफ है, साफ मशीन हमें मिली है, इसमें हमने जो है वो ग्राइंडिंग करनी है। हम क्या करेंगे कि पहले जो है हमने जो जिस सैंपल का हमने ग्राइंडिंग करनी है उस सैंपल का थोड़ा सा हम लेंगे सैंपल, उसको इसके अंदर डालेंगे और बिल्कुल जो है आधे मिनट के लिए या एक मिनट के लिए मशीन को चलाएंगे, ताकि जो है क्या होगा कि हम उसकी वॉशिंग कर रहे हैं सैंपल के साथ मशीन की। ठीक है, ताकि अगर कोई पिछले अगर पहले कोई इससे पहले कोई ग्राइंडिंग हुई है तो उसका कोई प्रेसिपिटेट अगर रहता भी है तो वो जब हम इसके साथ वॉशिंग करेंगे तो वो जो है वो इसके वाले लग जाएंगे, पिछले वाले जब वो उसकी काम हो जाएगी या वो उसको इतना असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, मतलब सैंपल की जो एक कह लें कि एक उसकी प्रोफाइल जो है वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह मैंने थोड़ा सा सैंपल डाला इसमें, ठीक है, डालने के बाद इसको जो है इसको बंद करके आधा मिनट या एक मिनट चला दिया। ठीक है, फिर मैं इसको ज़ाया कर दिया, ज़ाया करने के बाद जो है मैंने इसमें फिर सही वाला सैंपल डाला जो मैं ग्राइंड करूँगा। ग्राइंड करने के बाद मेरे पास पाउडर फॉर्म में एक आ जाएगा, ठीक है, वो मैं अब लूँगा, उसको मैं अब जो है वो अपने टेस्ट के लिए यूज़ करूँगा। फिर जब हमने सैंपल ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, तो आफ्टर ग्राइंडिंग क्लीन ग्राइंडिंग मशीन, हमने जो मशीन है उसको अच्छे से साफ़ करना है, हमने अच्छे से जो है वो बिल्कुल भी हमारे इस सैंपल का जो है जिस सैंपल का हमने ग्राइंडिंग की होगी उसका बिल्कुल भी कोई प्रेसिपिटेट वापस ना जाए वहाँ पे। हमें पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे से जो है मशीन भी साफ़ हो जाए और ढक्कन जो है मशीन के ऊपर उसके अंदर वाला हिस्सा भी अच्छे से साफ़ हो जाए। ठीक है, तो फिर वही बात कि जब अगला आपने सैंपल दोबारा रिपीट करने लायक, अब मेरे पास दो सैंपल हैं, एक मैंने कर लिया, अब उसको मैंने साफ़ भी कर दिया मशीन को, लेकिन फिर भी जब मैंने अगला सैंपल करना है ना, उससे पहले मैंने उस सैंपल का थोड़ा सा एक हिस्सा लेना और उसको मैंने मशीन के अंदर रन कराना, ग्राइंड करना, उसको मैं ज़ाया करना, फिर मैं सही वाला जो सैंपल लूँगा और उसके अंदर जो है मैं उसकी ग्राइंडिंग दोबारा करूँगा, वो मेरे पास सही होगी, मुझे टेंशन नहीं होगी कि ये इसके साथ जो है पिछला वाला सैंपल की एडल्ट्रेशन ना होगी हो। ठीक है, तो मुझे टेंशन नहीं होगी, तो इसलिए जो है ग्राइंडिंग करने से पहले सैंपल से भी मशीन को वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सारा एक प्रोसीजर होता है। तो ग्राइंडिंग आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो किस किस तरह करनी है और क्या क्या चीज़ें, सफाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सैंपल के साथ ही जो है वो ग्राइंडिंग करने से पहले सैंपल के साथ ही एक वॉशिंग देनी है। ठीक है, ताकि जो है आपका बिल्कुल सैंपल जो है वो एडल्ट्रेशन से पाक हो। सो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा और पसंद भी आ रही होंगी, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।